हेलो दोस्तों, प्रसन्न मैं चला अपडेट एडिट में आपका स्वागत है। आप पता है रोज इस चैनल पे एक एक पेटीएम रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। वैसे आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में हम बात किए थे जो भी पेटीएम का फुल केवाईसी आईडी है उनको अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो उनका जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक है वो बंद हो सकता है। वैसे काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है, तो अभी मैं आपको एक और अकाउंट दिखाने वाला हूँ जो कि उनके भी अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो उसको हम कैसे अनब्लॉक करेंगे इसके बारे में कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए, क्यों जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप आ जाए और आप वीडियो पहले देख सके। अगर आपको पेटीएम बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जाइए मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर पेटीएम करके प्ले लिस्ट लिंक है, उस लिंक को ओपन करके पेटीएम बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो बात करते हैं, वो एक मैसेज आया है एक कस्टमर का, तो देखिए यहाँ पर आपको मैं एक मैसेज दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे पेटीएम की तरफ से मैसेज आ रहा है, योर सेविंग अकाउंट जो अकाउंट नंबर है उनका इज ब्लॉकेड टू रिसीव एनी इनवर्ट ट्रांजेक्शन पीरियड अपडेट मिसिंग क्वेरी राइट टू यस। तो आप उनके पास एक लिंक दिया गया है, तो उनको वो उनको यही इन्फॉर्मेशन है कि उनका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो चुका है, तो उनको अनब्लॉक करना है। तो अनब्लॉक कैसे करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं ये ब्लॉक क्यों हुआ है और ब्लॉक हो क्यों रहे, और अगर आपका ही पेटीएम पेमेंट बैंक का फुल केवाईसी आईडी है तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका केवाईसी अपडेट करना है और ये जैसे ही ब्लॉक ना हो। तो उसके लिए रिलेटेड हम पहले की वीडियो बना चुके हैं, मैं और मैं आपको फिर से बता दूँ, आप क्या करिए, आपका जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक है उसको ओपन करिए। अगर आप उसको ओपन करने टाइम में ऊपर कुछ अपडेट वाला ऑप्शन मांग रहे हैं तो आप अपडेट कर लीजिए, नहीं तो प्रोफाइल सेक्शन पर जाके आप जो भी केवाईसी डिटेल्स है केवाईसी डिटेल्स पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं वहाँ पर आपका कुछ अपडेट मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं, और वहाँ पर कुछ अपडेट मांग रहे हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि काफ़ी सारा फ्रेंड का जो अपडेट नहीं हुआ है तो उनको पता नहीं है, तो जो उनका जो अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो उनको वो अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं और मुझे काफ़ी सारा वीडियो अपलोड है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे यही कॉमेंट आता है कि हमारा जो भी अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया तो हम उसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। तो अनब्लॉक करने का तरीका है कि आप देखिए, पहले आप अपना जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक के ब्लॉक है उसको पहले ओपन करिए, जब भी उसको ओपन करिए तो आप पेटीएम आपका बैंक पे ओपन करिए, जब भी आप बैंक ओपन करिए आपका जो भी कोड है उसको एंटर करिए, तो वहाँ पे आपको एक जो भी पेज ओपन होगा तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको वहाँ पे बताया जाएगा आपका कौन सा अपडेट मांग रहा है, फिर जाकर आपका जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आधार बेसिस में, तो आधार में आप चूज करके टर्म एंड कंडीशन चूज करके प्रोसीड करने, और आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसी नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, अगर आप वो ओटीपी को यहाँ पर डाल के प्रोसीड कर लेते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो अनब्लॉक हो जाएगा। अभी बात करते हैं अगर किसी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेगा, तो आप हम थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। देखिए अगर आपके पास है तो आपके पास है, और नहीं है तो आप नियर बी केवाईसी सेंटर में क्लिक करके जहाँ पर भी केवाईसी सेंटर आपको यहाँ पर दिखा रहा है आप जाके उसी केवाईसी सेंटर में आपका बायोमेट्रिक केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप थोड़ा बैक करिए, यहाँ पर फिर से अपडेट केवाईसी का ऑप्शन है, पेटीएम पेमेंट बैंक आपका बैलेंस दिखा रहा है तो अपडेट केवाईसी का ऑप्शन है, तो अपडेट केवाईसी पर क्लिक करिए। जब भी अपडेट केवाईसी पर क्लिक करिए तो आपका वहाँ पर अगर पैन नंबर एंट्री नहीं है तो आप पैन नंबर भी एंटर करा लीजिए, अगर आप आधार में केवाईसी कर लिए तो पैन एंटर करने के प्रोसीड पर क्लिक करिए, तो यहाँ पर आपको अगर पहले आधार का वेरिफिकेशन कर लेंगे तो यहाँ पर पैन एंट्री कर सकते हैं, अगर आधार का वेरिफिकेशन नहीं किए तो यहाँ पर पैन एंट्री नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई भी वेरिफिकेशन नहीं किए तो आपका जो भी नियर में आपका केवाईसी सेंटर पेटीएम का आप जाके वहाँ पर केवाईसी पूरा कंप्लीट केवाईसी कर सकते हैं, जब भी कंप्लीट केवाईसी आप पैन आधार देके कर लेंगे जो भी आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हुआ है वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो काफ़ी सारा फ्रेंड का मुझे यही कमेंट था कि उनका बैंक में कुछ अमाउंट पड़ा है फिर भी उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो वो कैसे उसको अनब्लॉक कर सकते हैं, तो यही प्रोसेस है। अगर आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो वो मोबाइल नंबर आप उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करके आपका पैन नंबर एंट्री कर लीजिए, वो आपका जो भी 24 या 74 या 48 आवर में आपका जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक है वो अनब्लॉक हो जाएगा। अगर फिर भी अनब्लॉक नहीं होता तो आप अपना कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं, वो अनब्लॉक करा देंगे। अगर आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर आपको बायोमेट्रिक केवाईसी करना पड़ेगा, केवाईसी सेंटर जाके पेटीएम का जो भी जहां पे भी केवाईसी सेंटर होगा आप जाके वहां पे केवाईसी करके अपना जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक है उसको अनब्लॉक करा सकते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो, अगर आपका जो भी फुल केवाईसी वाला आईडी है उनका जो भी पेटीएम पेमेंट में ब्लॉक किया जा रहा है उसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं, अगर आपका अभी तक अपडेट नहीं है केवाईसी अभी आप चेक करिए और अभी ही आप अपना केवाईसी अपडेट करा लीजिए, अगर ओल्ड केवाईसी वाले हैं तो फिर आपका जो भी पेटीएम पेमेंट है वो ब्लॉक नहीं हुआ। तो ये था कंप्लीट वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप आ जाए और आप वीडियो पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात और कुछ नया जानकारी।